आपके अपने लोकल चैनल पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। बिजली गुल, वेंटिलेटर हुआ बंद, मुश्किल में फंसी मरीज की जान। पल्स पोलियो की पिलाई गई दवा। वन अधिकार पात्रता पर्ची एवं घर माफी की कार्यवाही समय सीमा में करने के निर्देश। जिले से 4 डॉक्टरों के हुए स्थानांतरण को रोकने सौंपा ज्ञापन। नजूल तहसीलदार के घर पर हुई चोरी का हुआ खुलासा। मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं पल्लवी स्पोर्ट्स, बड़ा बाजार चौराहा, पन्ना। बिजली गुल, वेंटिलेटर हुआ बंद, मुश्किल में फंसी मरीजों की जान। जिला चिकित्सालय पन्ना में लाखों का भुगतान बेफजूल के कामों में अक्सर होता है, लेकिन जरूरत के कामों के लिए चंद पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिसके चलते लोगों की जान मुश्किल में फंस जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिला चिकित्सालय की वेंटिलेटर मशीन में गंभीर रूप से बीमार सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र खरे भर्ती थे, तभी दोपहर में अचानक बिजली चली गई। विद्युत सप्लाई बाधित होने के चलते मशीन बंद हो गई और मशीन में रखे मरीज की हालत बिगड़ने लगी। बताया जाता है कि ऐसे मशीनों में खुद की बैटरी बैकअप व्यवस्था होती है, ताकि इस तरह की समस्याओं से निपटा जा सके, लेकिन पन्ना की इस मशीन में बैकअप भी नहीं था, जिससे मरीज के परिजन परेशान हो गए और आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया। किसी तरह डॉक्टरों ने मरीज का उपचार किया। इसी बीच अस्पताल में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट अंकित शर्मा को मरीज के परिजनों ने घटना की जानकारी दी। अंकित ने बताया कि बिना बिजली के मशीन पूरी तरह बंद हो गई थी, उसमें कोई बैकअप नहीं था। बिजली जाने के बाद काफ़ी देर तक जब अस्पताल में रखा जनरेटर नहीं चालू हुआ, तो ऑपरेटर की तलाश की गई और काफ़ी मशक्कत के बाद ऑपरेटर को तलाश कर जनरेटर शुरू किया गया, जिसके बाद मरीज की सांस में सांस आई। समय रहत ऑपरेटर मिल गया और मरीज की जान बच गई। यदि जनरेटर शुरू करने में और देर हो जाती तो शायद मरीज को बचा पाना मुश्किल हो जाता। इस अवस्था के संबंध में जब जानकारी ली गई तो पता चला कि यहाँ NMDC के सौजन्य से जनरेटर की व्यवस्था की गई है, जो बेहद आधुनिक है और बिजली गुल होते ही तुरंत सप्लाई शुरू करने की क्षमता रखता है। लेकिन जनरेटर का ऑटो स्विच विगत 2 वर्षों से खराब है, जिसे कभी सुधारने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके चलते आए दिन ये समस्या बनती रहती है। जनरेटर के रखरखाव के लिए ऑपरेटर भी तैनात है, लेकिन बिजली कब जाएगी इसका पता किसी को नहीं रहता है। ऐसे में ऑटो स्विच अत्यंत आवश्यक है। बताया जाता है कि इस स्विच को सुधारने में करीब 5,000 रुपए का ही खर्च होना है, लेकिन लाखों रुपए फिजूल खर्च में उड़ाने वाले अस्पताल प्रबंधन के पास ये 5,000 रुपए 2 साल में नहीं जुट पाए, जिससे ये काम कराया जा सके। स्पष्ट है कि पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की भूमिका सवालों के घेरे में है। जनरेटर का प्रतिमाह निरीक्षण और सुधार होना चाहिए, जिसमें चूक की जा रही है, जो मरीजों की जान के लिए कभी भी मुसीबत बन सकती है। शायद किसी की मौत के बाद ही बेपरवाह प्रबंधन को होश आएगा। ये भाई साहब कहाँ से आए हैं ये पेशेंट, और जो ये इनको बैटरी पर रखा गया, कैसी व्यवस्था है पन्ना डिस्ट्रिक्ट? तो टीकमगढ़, ये पन्ना के हैं, यहाँ धाम मोहल्ले में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रहे हैं और यही धाम मोहल्ला के हैं, मेरे बहनों ही साहब हैं। और मुझे जानकारी लगी तो यहाँ पन्ना में उनको एडमिट किया तो वेंटिलेटर की व्यवस्था यहाँ हुई है, और पहली बार ये सुनकर के अच्छा लगा कि पहली बार वेंटिलेटर यहाँ यूज हुआ है। अब एक डॉक्टर एक्सपर्ट होना चाहिए, वेंटिलेटर इंस्ट्रूमेंट आ जाए, लेकिन डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट रखने से कोई मतलब नहीं है। ये अच्छी बात है कि डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी, जिन्होंने इस वेंटिलेटर को मेंटेन किया और उन्होंने इसको लगाया है, ये अच्छी बात है। लेकिन सुनकर ये भी दुख हुआ कि ऐसे होनहार डॉक्टर को और अभी ट्रांसफर कर दिया छतरपुर में। मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर्स की कमी है, ऐसे में पन्ना को अभी और आवश्यकता है ऐसे डॉक्टर्स की, ताकि नए नए इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग हो सके और यहाँ के पन्ना जैसे दूरगामी जो वनस्थलीय क्षेत्र में जिला है, वहाँ के मरीजों को प्रॉपर लाभ मिल सके। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वेंटिलेटर चालू हुआ है तो इसको ऑपरेट करने वाले डॉक्टर्स भी यहाँ आएँ, यहाँ रहें, बड़ी ज़रूरत है इस क्षेत्र में। मानते हैं आप पन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की पहले कमी थी और अभी भी है? निश्चित रूप से मुझे पता लगा कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी थी और उसमें से भी और डॉक्टर चले जाए तो बड़ी दिक्कत की बात है। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसको चिंता करनी चाहिए कि डॉक्टर्स जहाँ नहीं है दूर दराज के क्षेत्रों में, वहाँ से डॉक्टर्स को हटाना अभी ठीक नहीं है।
पर अगर डॉक्टर इसी तरीके से हटते गए तो मरीजों के जो दूर से आते क्या हाल होंगे? नहीं, अभी दिक्कत हम समझ सकते हैं कि वैसे ही कमी है डॉक्टर्स की। पहले ही अभी नए नए मेडिकल कॉलेज जो पिछली सरकार ने खोले हैं, हमारी सरकार ने खोले, उस समय मैं समझता हूँ कि अब डॉक्टर्स आएंगे तब पूर्ति होगी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इस चीज की चिंता रखनी चाहिए कि दूरस्थ जिले हैं, जो पिछड़े जिले हैं, खासतौर से बुंदेलखंड में, यहाँ डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को। आपका नाम? मैं के श्रीवास्तव हूँ, पूर्व विधायक टीकमगढ़। जिले भर में बच्चों को पिलाई गई पल्स पोलियो की दवा। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार पूरे देश में पल्स पोलियो की दवा 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई गई। सरकार का उद्देश्य कोई भी बच्चा पोलियो जैसे रोगों से ग्रसित ना हो सके, उसके पूर्व भी उसे अमृत रूपी पोलियो की दवा पिलाई जा सके। पन्ना जिले में यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा। जिला मुख्यालय से लेकर गांव-गांव के कर्मचारियों द्वारा पोलियो की दवा पिलाई गई। कार्यक्रम कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एलके तिवारी एवं नोडल अधिकारी पल्स पोलियो अभियान डॉक्टर पीके गुप्ता के मार्गदर्शन में सफल संचालन किया जा रहा है। सर, पल्स पोलियो पिलाया गया जिला अस्पताल में, क्या संदेश देना चाहिए? आज जनप्रतिनिधि के द्वारा पन्ना जिला चिकित्सालय से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। इसी तरह से कार्यक्रम का शुभारंभ समस्त ब्लॉक में और समस्त गांव में भी किया गया है। और हमारे जिले में आज लगभग 1,70,000 बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। जो बच्चे छूट जाएंगे उनको कल और परसों घर में जाकर दवा पिलाई जाएगी। इस तरह से हम 100% लोगों को दवा पिला करके और पोलियो जैसी बीमारी से रोकने में अपने जिले के लिए मदद करें। पन्ना पोलियो मुक्त, पन्ना पिछले कई वर्षों से कोई केस नहीं है, फिर भी हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनसे आने की संभावना को देखते हुए ये कार्यक्रम तब तक हम चालू रखेंगे जब तक कि हमारे पड़ोसी देश भी इससे मुक्त नहीं है। पड़ोसी देश कौन से हैं? वो है अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इन देशों में अभी केसेज है, वहाँ से हमारे देश का आवागमन लगा रहता है। इसके विकास के तौर पर हम कैसे दवा करते हैं हर साल। आज पल्स पोलियो अभियान मनाया गया है जिला अस्पताल में, बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई, क्या समझाइश देंगे आप पोलियो को लेकर? पोलियो ऐसी बीमारी है जिसका बहुत जरूरी है कि जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो स्वस्थ पैदा होते हैं, पर माता पिता की जवाबदारी बनती है कि सिर्फ 2 बूंद में अगर आप अपने बच्चे को आगे की जिंदगी स्वस्थ दें, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेकार है अगर आपका बच्चा स्वस्थ नहीं है। तो पोलियो एक अति आवश्यक चीज़ है और ये ड्रॉप भारत सरकार और अपने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फ्री में पिलाई जा रही है। 2 बूंद से अगर अपने बच्चे की जिंदगी बच सकती है तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें आगे बढ़ के पेरेंट्स अपने बच्चों को जो मतलब पैदा होने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवाएं आवश्यक। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी ने बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इस तरीके से जो उन्होंने बताया कि लोग आते हैं तो बच्चे वहाँ से भी, हाँ जो बच्चे वो लोग वहाँ से जो आते थे तो मैं वो शायद ये पोलियो को लेके आते थे, किंतु अब भारतवर्ष में पोलियो खत्म है, फिर भी प्रिकॉशनरी तौर पे हमको पोलियो की दवा पिलाना पड़ेगा। अभी को एक जो अभी आप बता रहे थे एक योजना चालू हो रही है, वो कौन सी योजना? अक्षय पात्र। जी जी, अक्षय पात्र सॉरी पोलियो से हटकर है, ये है जो कुपोषित बच्चों को कुपोषित किया, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है उनमें खाना गर्म जाएगा। अक्षय पात्र एक बहुत बड़ी संस्था है जो हर मतलब हर आंगनबाड़ी में गर्म खाना उसकी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, बहुत जल्दी ये योजना पड़ना है। पल्स पोलियो की पिलाई गई दवा। 19 जनवरी से 21 जनवरी तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया है, जिसके तहत ककरेटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर दिलीप साहू ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समाजसेवी कैलाश त्रिपाठी, प्रशांत भार्गव, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, पवन खरे, अशोक विश्वकर्मा, शैलेन भार्गव एवं स्वास्थ्य विभाग ANM उषा प्रजापति, बैजनाथ उपाध्याय उपस्थित रहे। शिकार की आशंका में वन कर्मियों ने किसान को पकड़ा। नाराज किसानों ने वन कर्मियों के साथ की मारपीट, आरोपी को छुड़वाया।
पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ रेंज अंतर्गत गणेशगंज बीट में एक लकड़बग्घे का मृत शव खेत में मिला था, जिसको लेकर वन कर्मियों द्वारा संबंधित खेत मालिक किसान को जबरदस्ती पूछताछ के नाम पर रेंज कार्यालय में ले गए थे तथा उक्त किसान के साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद किसानों में गुस्सा भड़क गया तथा रेंज कार्यालय पहुंचकर हंगामा करते हुए उक्त किसान को ग्रामवासी छुड़ाकर ले गए तथा कुछ वनकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। अधिकार पात्रता पर्ची एवं ऋण माफी की कार्यवाही समय सीमा में करने के निर्देश, पंचायत राज से संबंधित गबन के प्रकरणों की त्वरित कार्यवाही की जाए, पन्ना कलेक्टर ने कहा। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, ऋण माफी योजना, उपार्जन वन अधिकार पात्रता पर्ची का सत्यापन, राजस्व प्रकरणों का निराकरण, माफिया के विरुद्ध की गई कार्यवाही, जन अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार, गणतंत्र दिवस की तैयारी, आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों का भौतिक सत्यापन, पोलियो अभियान की प्रगति आदि की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में समय सीमा का ध्यान रखते हुए कार्यवाही करें। वहीं सीएम हेल्पलाइन, आपकी सरकार आपके द्वार, समयावधि पत्र एवं जनसुनवाई के आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही करें। बैठक में कलेक्टर शर्मा द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने जिन विभागों द्वारा झांकियां निकाली जानी हैं, उन विभागों को निर्देश दिए हैं कि झांकी बनाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दें। झांकी में समसामयिक विषय एवं शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रदर्शन किया जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अनुभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित कर तैयारियां कर लें। बैठक में उपस्थित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि पंचायती राज से संबंधित गबन के प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए वसूली की जाए। जिले से 4 डॉक्टरों के हुए स्थानांतरण को रोकने के लिए एक सौंपा ज्ञापन। पन्ना जिला प्रदेश के सबसे पिछड़ा जिला है। आवागमन के साधनों की भारी कमी है, जिसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कमजोर हैं। सरकार द्वारा विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन चिकित्सकों की कमी के चलते लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जिले की लगभग 10 लाख की आबादी के लिए एकमात्र शासकीय जिला चिकित्सालय उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र किसी प्रकार एक या दो चिकित्सकों के द्वारा इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वर्तमान सरकार द्वारा डॉक्टरों की धीरे धीरे पदस्थापना की गई थी, लेकिन कम चिकित्सक होने के बावजूद एक साथ 4 विशेषज्ञ स्थानांतरण जिला चिकित्सालय एक साथ कर दिए गए, जिससे आम जनता में सरकार के प्रति आक्रोश का माहौल कायम हो गया है तथा स्थानीय समाज सेवियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए समाज सेवी राम बिहारी गोस्वामी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया तथा ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया कि जिन डॉक्टरों स्थानांतरण किया गया उनमें डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, डॉक्टर प्रदीप दुबे, डॉक्टर प्रदीप धाकड़ तथा डॉक्टर वंदना धाकड़ का स्थानांतरण रोका जाए, क्योंकि यदि उक्त डॉक्टरों को भारमुक्त कर दिया गया तो जिला चिकित्सालय सहित पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, क्योंकि वर्तमान समय में नसबंदी ऑपरेशन सहित शासन द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं और उक्त सभी डॉक्टर उनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में पूर्व पार्षद स्वामी प्रसाद मिश्रा, अशोक पांडे, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष शशिकांत, रियासत खान, राजू सेन, इरशाद खान, वीरेंद्र वाजपेयी, प्रकाश शर्मा, इरफान मंसूरी, अरविंद लोधी, गोविंद सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, दिनेश दुबे, ज्ञानेंद्र बुंदेला, बिंदु प्रसाद, अरविंद पचौरी, मनीष चौधरी, आर एस गोस्वामी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आएगी हम बता देंगे ना सर, नंबर डायल कर दीजिए। नहीं आएगी, मैं बता दूंगा। मैं लिख लेता हूँ।
हम पहली बार सर से आपसे मिल रहे हैं सर, मैं संजय तिवारी हूँ। एक सेकंड सबको देखिए, सर भी वो काफी वक्त के लिए इंजेक्शन लिया इंजेक्शन ठीक रहना खरीदने के लिए। अच्छा फजूल तहसीलदार के घर पर हुई चोरी का हुआ खुलासा। पास के ही रहने वाले युवक ने दिया था घटना को अंजाम। सिविल लाइन के शासकीय आवास में निवासरत नुजूल तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी के घर का ताला तोड़कर विगत 17 जनवरी को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना के अंजाम दिया गया था, जिसकी शिकायत नुजूल तहसीलदार द्वारा कोतवाली पन्ना में की गई थी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए धारा 457-380 के तहत प्रकरण दर्ज किया था तथा आरोपियों को पकड़ने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी हरि सिंह ठाकुर ने जाल फैलाया। 3 दिन के अंदर चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपी अख्तर खान पिता हसन उम्र 29 साल निवासी बिटनरी अस्पताल के पास आगरा मोहल्ला पन्ना, उसके कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद किया गया तथा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पन्ना तहसील में नजूल अधिकारी हैं जो अपनी उनके यहाँ 16-17 तारीख की रात में अज्ञात चोर ने ताला तोड़ के और पूरा सामान फैला दिए था, उसमें 4-5 हजार रुपये उनके चुरा ले गया था। जो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आज उनको चोर को पकड़ा और पूछताछ किया तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है और जो चोरी गया मसरू का है वो जब्त किया है। सर पैसे जब्त किए गए हैं, कितने पैसे जब्त किए गए? पैसे इसके साथ में एक और साथी था इसका, तो आधे रुपए वो लेके चला गया है, आधे रुपए इससे जब्त हुए हैं, जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुल कितने लोग थे सर चोरी में? 2 लोग थे। सर पूर्व में भी कई चोरियां हुई हैं, उनका सर कब तक खुलासा? बस थोड़ा सा इंतजार और करो, जल्दी ही उनका खुलासा करेंगे। थैंक यू सर। अजयगढ़ में 2 बूंद जिंदगी के साथ के संदेश के साथ पिलाई गई पोलियो की दवा। पूरे भारत में पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए कृत संकल्प सरकार के द्वारा 19 जनवरी से 21 जनवरी तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो दिवस पर पोलियो की दवा पिलाई गई। पल्स पोलियो दिवस के तहत आज पहले दिन बूथ लेवल पर पोलियो की दवा पिलाने के लिए पूरे अजयगढ़ जनपद में लगभग 210 बूथ बनाए गए, जिसके तहत लगभग 23,725 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। कमलनाथ सरकार की योजनाओं को जन जन को बताने निकले जनपद अध्यक्ष, गाँव गाँव जाकर गरीबों को बांटे कंबल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा की जा रही जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन व मौसम के बदलते हुए मिजाज से पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जनपद अध्यक्ष भरन मिलन पांडे के द्वारा गरीब व असहाय लोगों को कंबल बांटने का निर्णय लिया गया, जिसके पहले चरण में आज ग्राम पंचायत बिलाही, भापतपुर, भूमियान, सलैया, झन्ना में कंबल वितरण का कार्य किया गया। जनपद अध्यक्ष ने बिलाही में उद्घोषण में कहा कि मेरे जनपद अध्यक्ष बनते समय लगभग 5100 लोगों को वृद्ध अवस्था पेंशन मिलती थी, अब आज के समय लगभग 14,000 से अधिक लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मेरे मन में गरीबों की सेवा करने की तीव्र इच्छा होती थी, जिसके तहत मैंने गरीब वृद्ध असहाय विधवा बूढ़े लोगों को कंबल बांटने का निर्णय लिया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामों की छोटी छोटी समस्याओं को प्रति मंगलवार लगने वाले अभ्युदय दल के माध्यम से हल करने की सलाह दी गई।
कार्यक्रम के दौरान रास्ते में पढ़ने वाले स्कूलों के मध्याह्न भोजन को चेक कर मेनू के आधार पर भोजन न देने व बच्चों से थाली धुलवाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सही तरीके से कार्य करने की सलाह दी। कंबल वितरण के दौरान ग्राम पंचायत बिलाही में कुल 36 लोगों को, ग्राम बिरियापुर में 30, ग्राम सबदुआ में 30 लोगों को, ग्राम सलैया में 37 लोगों को कंबल वितरण का लाभ प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी भागीरथ तिवारी, एसडीओ मनरेगा प्रशांत नायक, पंचायत इंस्पेक्टर कमलेश तिवारी, पीसीओ अवधेश मिश्रा, एपीओ अमित यादव, उपयंत्री बालक राम नामदेव के साथ विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, सह सचिव के साथ साथ हजारों की संख्या में जनता जनार्दन उपस्थित है। गहुई दिवस आयोजित हुए विविध कार्यक्रम, नगर में निकला गाजी बाजे के साथ विशाल जुलूस। बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी गहुई दिवस के अवसर पर गहुई वैश्य पंचायत व गहुई नवयुवक एवं गहुई महिला मंडल द्वारा नगर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह 9 बजे सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर मिलोनीगंज गंज में सभी लोग एकत्रित हुए। माँ दुर्गा का पूजन आरती पश्चात चल समारोह व शोभा यात्रा मिलोनीगंज से प्रारंभ हुई, जो बस स्टैंड अजय मेडिकल गांधी चौक झंडा बाजार से होते हुए माँ कलही परिसर पहुंची। चल जुलूस में मेरठ से आए हुए कलाकारों द्वारा श्री राधा कृष्ण बनकर नृत्य किया गया, जो मनमोहक व आकर्षक का केंद्र रहा। साथ ही अनेक तरह की झांकियां भी शोभा यात्रा में सजाई गई थी। सभी के चरणों में बारंबार निवेदन है
भाई।